हेलो दोस्तों, अगर आपको वेब सीरीज देखना पसंद है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर हैं, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 हॉरर वेब सीरीज के बारे में, जिन्हें देखकर आपके दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी। दोस्तों, अगर आप भी लॉकडाउन में बोर हो गए हैं तो आप इन वेब सीरीज को देखकर अपना टाइम पास कर सकते हैं, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इंडियन हॉरर वेब सीरीज के बारे में जो कि बहुत ही डरावनी है। आपके अपने चैनल टिकटॉक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैंने कवर किए टॉप 5 हॉरर वेब सीरीज, जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बड़ा ना करते हुए हम बात करते हैं इन वेब सीरीज़ के बारे में। दोस्तों, नंबर 5 पर आती है टाइप राइडर। अगर आपको हॉरर कहानियाँ पसंद है, आप वेब सीरीज़ के एडिक्ट हैं और कुछ नया देखना चाहते हैं, तो ये आपके लिए कमाल की वेब सीरीज़ हैं। सुजाय घोष अपनी कहानियों में थ्रिलर एलिमेंट्स के लिए जाने जाते हैं और ये इससे भरी हुई है। ये कहानी घोस्ट ऑफ सुल्तानपुर नाम की एक किताब और एक टाइपराइटर के इर्द गिर्द घूमती हैं। कुछ बच्चे किताब से प्रभावित होते हैं, इसी किताब के जरिए वे अपने मिशन को पूरा करते हैं और कहानी इसी तरह से आगे बढ़ती है। आखिर तक भूत से मिलने का उनका सपना लगभग पूरा हो ही जाता है। बाकी कहानी आप वेब सीरीज से पता कीजिए। दोस्तों, इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। तो अब आते हैं नंबर 4 पर, गहराइयां, जो कि विक्रम भट्ट द्वारा बनाई गई है। इसमें संजय शेख, वत्सल सेठ मुख्य भूमिका में है। इसका निर्देशन सिद्धांत सचदेव ने किया है। वेब सीरीज की कहानी रेना मलिक की है, जो कि 26 साल की एक सर्जन है। किन्हीं वजहों से वे अपने प्रोफेशन को छोड़कर मुंबई शिफ्ट हो जाती है, लेकिन फ्लैट में उनके साथ डरावने हादसे होने लगते हैं। उन्हें लगता है कि कोई साया है जो हमेशा उसका पीछा करता रहता है। उनके दोस्तों को लगता है कि यह रैना का वहम है और वे इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं। तब उनका पड़ोसी उनकी सहायता के लिए आगे आता है। और इस कहानी में आगे क्या होता है, इसे देखने के लिए आप इसे VIU पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब आते हैं नंबर 3 पर, भ्रम। भ्रम कल्कि केकला अभिनीत एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर वेब सीरीज है। भ्रम की कहानी और कथानक आलिशा खन्ना नामक एक युवा लड़की की जीवन कहानी के इर्द गिर्द घूमती है, जो प्रेम कहानियों की एक बेहतरीन लेखिका होती है। एक कार दुर्घटना उनके जीवन को बदल देती है और वह अपनी मानसिकता के संबंध में बहुत स्थिरता खो देती है। इसलिए अपनी स्थिरता को हासिल करने के लिए वह अपनी बहन अंकिता, जिसका रोल निभाती है भूमिका चावला, की ओर मुड़ती है और उसके पति पीटर पॉल के साथ घूमने और रहने का फैसला करती है। दोस्तों, कहानी आगे बढ़ती है और इसी तरह से इसमें मज़ा जो है वो दोगुना हो जाता है। दोस्तों, इस वेब सीरीज को और जानने के लिए आप इसे G5 पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं नंबर 2 पर, धूल। धूल एक अरेबिक टाइटल है जिसका मतलब होता है जिन्न या पिसाज। एक बेटी अपने देश के प्रति कर्तव्य निभाते हुए देशद्रोही पिता के बारे में पुलिस को जानकारी दे देती है। वह पिता अपने नापाक मंसूबों में कामयाब होने के लिए एक जिन्न की मदद लेता है, जिसका नाम धूल है। इसके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती नजर आती है। पिता को लगता है कि सरकार मुस्लिमों के खिलाफ काम कर रही है और इस कारण वह लोगों को इस्लाम का पाठ पढ़ाना चाहता है और लोगों को सचेत करना चाहता है। लेकिन इसी पिता की बेटी के विचार अलग है और वो पिता को कई बार यह सब करने से रोकती भी है। बाकी की कहानी आप इस वेब सीरीज को नेटफ्लिक्स पर देखकर पता कर सकते हैं। दोस्तों, अब आते हैं नंबर 1 पर, परछाई। जादू रहस्यमय रोमांचक कहानियों के लिए मशहूर लेखक रस्किन बॉन्ड की कहानियों पर यह वेब सीरीज आधारित है। इनके कई एपिसोड हैं, इनके हर एपिसोड में एक अलग कहानी है। कुछ में तो आपको डर लगता है और कुछ में आपका अंदर का डर जो है वो निकल जाएगा। लॉकडाउन में ये वेब सीरीज आपका अच्छा टाइम पास कर सकती है, इन्हें आप G5 पर देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतने दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। और फ्रेंड्स, आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन में बेल आइकन को ऑल में सेलेक्ट कीजिए, ताकि हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।